नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए कुल 150 प्रश्नों के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें आपके 30% साइकोलॉजी के, 30% हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के, 30% संस्कृत के और 60 क्वेश्चन SST के करेंगे। जो साइंस मैथ्स हैं वो 90 क्वेश्चन यहाँ से कर लें, बाकी 60 क्वेश्चनों का आपके लिए आज ही अलग से वीडियो मिलेगा साथियों, जिसमें गणित के 30% और साइंस के 30% रहेंगे। तो वहाँ से आप 60% कर लेना और यहाँ से आप 90 क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो SST से हैं वो ये पूरा का पूरा 150 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर दें और अपना आकलन करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हम करेंगे। प्रश्न नंबर एक से स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक निश्चित क्रम में होता है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह समग्र परिवर्तन का समूह है, इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। तो साथियों गलत बताना है, चौथा ऑप्शन गलत है यहाँ पर। इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है और मापने वाले को क्या कहते हैं साथियों? अभिवृद्धि कहते हैं, विकास नहीं कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है, स्ववास्तविकरण की अवधारणा प्रस्तुत की मेस्लो ने, वेनिंजर ने, वेबस्टर ने या स्किनर ने? तो साथियों प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर क्या रहेगा? स्ववास्तविकरण की अवधारणा जो दी है वो मेस्लो ने दी है, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है, गिलफोर्ड ने बुद्धि को जिन तीन वर्गों में विभक्त किया है उनमें सम्मिलित नहीं है। तो साथियों उनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें संज्ञान शामिल नहीं है साथियों, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बाकी संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद है, संज्ञान नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर चार देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो साथियों थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ये सारे के सारे ही नाम है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इसे मात्रा सिद्धांत कहते हैं, बालू सिद्धांत कहते हैं और असत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर रहेगा। अगला है, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन करने का कार्य किस बुद्धि का है साथियों? राइट आंसर रहेगा अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर दो। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का प्रयोगकर्ता होता है, परिणामों को प्रयोगकर्ता कौन होता है? तो शोधकर्ता होता है साथियों, राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान है, तो साथियों सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी यानी समस्या का चयन, तथ्य संग्रह विधियां और योजना का कार्यान्वयन, ये सारे के सारे सोपान है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार है संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी और गैर कानूनी? तो शिक्षा का अधिकार संवैधानिक है साथियों, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नौ देखिए, आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षिका है, यह किसने कहा है? आदत के बारे में डेफिनेशन किसके साथियों? यह है आपके जेम्स की परिभाषा, ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर दस है, टॉरेंस के परीक्षणों में मापन किया जाता है, टॉरेंस के परीक्षणों में मापन किया जाता है, उपयुक्त सभी का राइट आंसर रहेगा, निरंतरता व लोचनीयता का, लोचनीयता व मौलिकता का, मौलिकता व विस्तार का, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है, वेटले के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पूछी गई यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक की वेटले के अनुसार, राइट आंसर रहेगा 110, ऑप्शन नंबर तीन। आगे देखिए साथियों, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना है उनको क्या कहा जाता है? तो साथियों शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना उनको समस्यात्मक बालक कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। तेरहवां प्रश्न है, बाल अपराधी के उपचार की विधि नहीं है, बाल अपराधी के उपचार की विधि नहीं है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा प्रश्न ऑप्शन नंबर आपका तीन, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए साथियों प्रश्न नंबर तेरह को एक बार वापस देखेंगे, वातावरणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, अधिगम की विधि, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप है, तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चार, विशिष्ट कक्षाएं, अपनी देखभाल, प्रशिक्षण और व्यक्तित्व शिक्षण, बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न नंबर 15 है, किस अवस्था में प्रवेश करने के समय तक बालक स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा उत्तर किशोर अवस्था ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा उपयोग सभी यानी उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह यानी पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार स्टूडियो यानी स्कूल में डाल सके, यह कथन किसका है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यह कथन है साथियों कनिंगम का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी विद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद के 10% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक में 60 बच्चों पर कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए? तो साथियों 60 पर होनी चाहिए, 2 अध्यापकों की, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत 1 से 5 कक्षा के लिए कार्य दिवस कितने हैं? तो 1 से 5 तक कार्य दिवस 200 है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और आपको बता दूं 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं और 200 जो है वो कार्य दिवस हैं। 20वां है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 लागू किया गया है, इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितने किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 4 किलोमीटर? राइट आंसर रहेगा 1 किलोमीटर के दायरे में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए निम्न में से क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा पूछा गया है, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो राइट आंसर रहेगा कठोर दंड देकर कार्य करवाना, ये नहीं करेगा शिक्षक, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या हो सकता है? 4 विकल्प आपके सामने साथियों, सोच विचार के आंसर देना है। बाल अपराध का सामाजिक कारण, तो साथियों राइट आंसर रहेगा माता पिता का मानसिक असंतुलन, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, बाल अपराध की वह विधि जिसमें बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जाता है वह है, तो वह कौन सी है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 24 का? राइट आंसर रहेगा साथियों वातावरणात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अधिगम अंतरण के सिद्धांत में से नहीं है, अधिगम अंतरण के सिद्धांत में से नहीं है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं संदेही संकालु स्वभाव तथा एकांत प्रिय बिल्कुल होते हैं, दूसरों के साथ संचिमजांग भाग लेना पसंद नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, कम बोलने वाले लज्जाशील होते हैं और दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते, बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, वातावरण के साथ सामान्य स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये परिभाषा किसकी है? तो साथियों ये परिभाषा किसकी है? बोरिंग की है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सीखने के प्रतिपल में क्या सम्मिलित है? सीखने के प्रतिपल में क्या सम्मिलित है? बच्चों को किस प्रकार से सिखाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, वे मापदंड जिनसे सीखने को मापा जाए ये भी होना चाहिए, सीखने के प्रतिपल संरक्षक विद्यमान प्रबंधक समिति के सदस्यों राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति सतर्क और जिम्मेदार बनाता है, बिल्कुल सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तर्क शक्ति का विकास करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना, यहाँ पर 29वें में राइट आंसर रहेगा समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे साथियों, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो साथियों विशेष परिस्थिति में दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को
तार्किक तर्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 30 का। तो ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं आपके बताएं जरूर। आगे बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में सबसे पहले गद्यांश आ चुका है आपके सामने और प्रश्न नंबर 31 है, गुरुत्वाकर्षण शब्द में कौन सी संधि है बताइए। गुरुत्वाकर्षण शब्द में कौन सी संधि है, तो गुरुत्व प्लस आकर्षण बिल्कुल दीर्घ संधि का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है अपने हाथ पर धीरे धीरे चलते रहते हैं वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे कौन सा रहेगा साथियों, रीति बोधक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है वह हमसे हजारों किलोमीटर दूर है वाक्य में कौन सा विशेषण है, हजारों किलोमीटर दूर है इसमें कौन सा विशेषण है, तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, अनिश्चित परिमाण वाचक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, तारे टिमटिमाते दिखते होंगे इसमें कौन शब्द में संज्ञा है, तारे में कौन सी संज्ञा रहेगी साथियों ये बताना है आपको, तो तारे में कौन सी संज्ञा रहेगी साथियों, जातिवाचक संज्ञा रहेगी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है रात्रि शब्द क्या है, रात्रि शब्द क्या है साथियों, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या रहेगा, रात, ठीक है। अगला है निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है, तो विश्व, आत्मा, प्राण या ज्योति, तो साथियों प्राण जो है ये सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला है, सदैव बहुवचन शब्द है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है, ये जो चिन्ह है इस प्रकार का जो चिन्ह होता है साथियों ये कौन सा चिन्ह है ये बताना है, तो चार विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर सभी को आ रहा होगा बिल्कुल उद्धरण चिन्ह है ये, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है जो साथ में पड़ा हो, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो साथ में पड़ा हो उसे क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल सहपाठी कहते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है, तो वर्तनी की अशुद्धि नहीं है यानी शुद्ध शब्द कौन सा है, उच्छ्वास, संग्रहित, अनुग्रहित, साम्यता, तो साथियों अनुग्रहित जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, अशुद्धि नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली के लिए कौन सी राजस्थानी शब्द प्रयोग किया जाता है, क्यारियों तक पानी भेजने के लिए जो नाली बनाई जाती है उसके लिए कौन सा प्रयोग लेते हैं, तो साथियों धोरो कहा जाता है, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है साथियों, 8 प्रकार है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है, बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो, तो साथियों यहाँ पर वाक्य का प्रयोग कौन सा होगा ये बताना है, 42 में दोनों से बचो बिल्कुल संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 43वां, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसमें कौन सा वाक्य है साथियों, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो साथियों इसमें जो वाक्य रहेगा कौन सा रहेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 43 नंबर का हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि ये क्या है लोकोक्ति है साथियों, लोकोक्तियां किस में आती है, मिश्र वाक्य में आती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है, ये कैसा वाक्य है, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है, तो साथियों ये सरल वाक्य है, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है किताबी कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, किताबी कीड़ा होना बिल्कुल बहुत अधिक पढ़ने वाला किताबी कीड़ा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत किस प्रकार से होती है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, सुंदर आकारों से, शुद्ध शब्दों से, या इनमें से कोई नहीं, तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है, वर्ण, ध्वनि, वचन या उपयुक्त सभी, तो साथियों मौखिक भाषा की अंतिम ध्वनि कौन सी है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ध्वनि, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर रहेगा, अंतिम इकाई पूछा गया है ध्वनि रहेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है साथियों वर्ण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य क्या है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना, बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण जो है एक उत्तम शिक्षण कहलाता है, उत्तम शिक्षण माना जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 50 का। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों का मूल्यांकन करे, किसका मूल्यांकन करना है ये बताना है। तो पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना है साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु कि आवश्यक है कि उन्हें क्या करना चाहिए साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भाषा की समझ का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा साथियों? व्याकरण का ज्ञान दिया जाना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है भाषा कौशल है तो उपयुक्त शिक्षण विधि है, भाषा कौशल के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त शिक्षण विधि पूछी गई है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, चौथा ऑप्शन। अगला है भाषा कौशल का स्वरूप है बोलना सुनना लिखना पढ़ना एक वे दो दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो चारों ही है साथियों। भाषा कौशल के स्वरूप है बोलना सुनना पढ़ना लिखना, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से क्या व्याकरण की विधि है? तो व्याकरणिक शिक्षण की विधि कौन सी है इनमें से? तो सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी। तो साथियों व्याकरण शिक्षण की विधि पूछी गई है, आगमन विधि रहेगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो साथियों शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, एक वे दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका क्या है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है कौन सा विकास होता है साथियों? मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, केवल एक तथा दो। तो साथियों राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, मानसिक विकास भी होता है बौद्धिक विकास भी, बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? बोलने तथा सुनने की दोनों की विशेषता है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? पाठ्य सामग्री और उसके शिक्षण प्रणालियों का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो साथियों राइट आंसर रहेगा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है प्रश्न पूछना, अभ्यास कराना, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना है उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, तो हिंदी के 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं जरूर बताएं। अब हम संस्कृत सेकंड लैंग्वेज की ओर चल रहे हैं जिसके 30 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। देखिए का अनेक रूपा विद्यते, आपके सामने सबसे पहले पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है और का अनेक रूपा विद्यते, परुषा, टपनीति, वारांगना या वदानिया। 61 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? का अनेक रूपा विद्यते, यह आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। तो राइट आंसर रहेगा टप नीति, ऑप्शन नंबर दो। अगला है प्रिय वादिनी में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रिय वादिनी में कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों? तो प्रिय वादिनी में साथियों ऋणी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नित्य व्यया इत्यत्र समास के, नित्य व्यया में कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, अधिगु। तो साथियों इसमें जो है आपके बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है वारांगनेव में कौन सी संधि है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन साथियों, वारांगनेव में कौन सी संधि है? तो साथियों इसमें संधि रहेगी गुण संधि, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं, प्रभावी रूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनम करिष्यन्ति यदा, प्रभावी रूप से बालक जो है लेखन का अधिगम कर सकते हैं किस रूप से, क्या करने पर? तो साथियों चार विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर क्या रहेगा?
लेख्यम छात्राणाम संदर्भ भावानुकूलम सार्थकम, जब लिखित लिखी हुई चीज़ का संदर्भ के अनुसार सार्थक प्रयोग भी निकलेगा तब होगा ये सारा काम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 66 नंबर है, अध्योलिखित इसु किम परिणामोपागमश्य प्रतिफलम नास्ति, नास्ति पूछा गया है साथियों, राइट आंसर बताइए। परिणाम उपागम का प्रतिफल नहीं है, तो साथियों 66 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, 66 नंबर का राइट आंसर रहेगा एतस्य लक्ष्यम विचारणाम उत्पत्तो अस्ति, ये नहीं है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, प्रक्रिया उपागम अनुसार, प्रक्रिया उपागम अनुसार निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगे लेखन कार्यस्य आरंभ काले शिक्षणे न क्रियति, बताइए। 67 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, टिप्पणी लेखन के लिए नहीं किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है मूल्यांकनम कति विधम, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल दो प्रकार का होता है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण में पहला कौशल कौन सा है, LSRW होता है साथियों, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, राइट आंसर रहेगा श्रवणम, ऑप्शन नंबर एक। अगला है उदाहरणानि प्रस्तुते नियमम कथनम, उदाहरण प्रस्तुत करके नियम निकाला जाता है कौन सी विधि में, उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है साथियों, आगमन विधि चलती है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है प्राचीनतम विधि के, सबसे प्राचीन विधि कौन सी है साथियों, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, परायण विधि, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात, शिक्षण रुचिकर किस प्रकार से हो सकता है साथियों, जब दृश्य सर्वे साधनों का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर चार करेक्ट आंसर रहेगा। 72 का प्रश्न नंबर 73 फिर से आपके सामने, ये गद्यांश है यहाँ से देना है, तो सबसे पहला है सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार करणीया, तो सर्वभूतेषु कीदृश व्यवहार करणीया, तो साथियों मातृवत आत्मवत पितृवत या लॉस्टवत, राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप ढूंढ के बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर रहेगा, सर्वभूतेषु कीदृशु व्यवहार करणीया, तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, आपने ढूंढ लिया होगा, बिल्कुल मिल गया होगा साथियों, राइट आंसर रहेगा आत्मवत, ऑप्शन नंबर दो। अगला है वसुदेव इत्यत्र संधि विच्छेद, वसुदेव का संधि विच्छेद करना है साथियों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वसुधा प्लस ए, ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर रहेगा। अगला है लोष्टवत व्यवहार कुत्र प्रदर्शनिया, लोष्टवत व्यवहार कुत्र प्रदर्शनिया, ये बताना है साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये लीजिए देखिए, लोष्टवत व्यवहार कीदृश करणिया ये पूछा गया है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये रहा पर द्रव्येषु, बिल्कुल 75 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, पर द्रव्येषु, ऑप्शन नंबर तीन। क्षेत्र है महत्वम में कौन सा प्रत्यय है, महत्व में कौन सा प्रत्यय साथियों, तमप तत् कत या तव, तो तव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। संस्कृति का संस्कृति इत्यत्र के उपसर्ग, संस्कृति शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, तो साथियों यहां पर आपका उपसर्ग रहेगा सम उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 78 है कर्म फलम इत्यत्र के समास है, कर्म फलम में कौन सा समास है, कर्म रूपी फल, बिल्कुल पहला ही राइट आंसर रहेगा, तत्पुरुष समास है साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है संस्कृति मनः निर्मलम करोति वाक्यमिदम लंग लकारे परिवर्त्यत, संस्कृति ही मनः निर्मलम करोति, इसको लंग लकार में बदलना है साथियों, तो गुणेशी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति मनः निर्मलम ए करोत, ऑप्शन नंबर दो। आगे है परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है, बिल्कुल इज्जी सभी को आ रहा है, श्याम पट है साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कश्यापि नगर से भौगोलिकम स्थिति बोधि तुम कीदृश से पाठ्य उपकरण से प्रयोग करणीय, यदि किसी नगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है तो क्या उपयोग करना पड़ेगा, कौन सी सामग्री उपयोग करनी पड़ेगी, तो मानचित्र से, ऑप्शन राइट आंसर रहेगा पहला। अगला है संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफलता भाषा कश्य कृति वर्तते,
तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, 82 का ऑप्शन नंबर 3 संगणक कश्य ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 83 है, अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा सात, अति लघुतरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा कितनी होती है, तो साथियों अति लघुतरात्मक की होती है 1 वाक्य में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय मानी जाती है, तो सभी को आ रहा है क्वेश्चन, राइट आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑप्शन नंबर 1। अगला है पात्राभिनयम प्रत्येकम भाषा कक्षायाम अभिनांग रूपेण स्यात् यत्, चार विकल्प दिए गए हैं साथियों, पात्र अभिनय में प्रत्येक भाषा कक्षा में अभिनय करवाया जा सकता है, कब, जब एतेन छात्रा सार्थक भाषा अभियुक्ति समर्था भवंती, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 86 है प्रदत्त विषय में प्रदत्त विषय अधिकृत्य यदा छात्राय एकाम लघु कविताम रचितुम निर्देशम तदा से, 86 नंबर का राइट आंसर, लघु कविता का रचना करता है एक छात्र एक कक्षा में तो प्रदत्त विषय पर, तो साथियों राइट आंसर रहेगा सृजनात्मक चिंतन कर रहा है, वो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सवराणाम आभ्यंतर प्रयत्न किम, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है साथियों, स्पृष्टम ईषद स्पृष्टम संवर्तम या विवर्तम, तो विवर्तम राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आगे 88 नंबर देखिए साथियों आपके सामने आ रहा है अनुप्रास अलंकारे कश्य वेश्यम अपि संभवती, वर्णस्य शब्दस्य वाक्यस्य स्वरस्य, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, स्वरस्य ऑप्शन नंबर 4। 89 नंबर है 1971 इति संख्या शब्दे लिखत, 1971 को शब्दों में आपको लिखना है, तो राइट आंसर बताना है आपको अब गुणिये 90 नंबर में, 71 अधिक है तो क्या आ जाएगा 170, बिल्कुल 91 शतम, 170 है 91 शतम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका नहीं छपा है तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ साथियों, 90 नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ साथियों, 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, चलो 90 नंबर क्वेश्चन है, 6 बजे तक खेलती, तो इसके लिए क्या आएगा 6 बजे के लिए क्या है, 6 बजे तक के लिए क्या आएगा षडाधिक वादने, दूसरा विकल्प है षड वादनम, तीसरा विकल्प है षड वादने और चौथा विकल्प है षड वाद पर्यंतम। अब आप बताइए 90 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, 6 बजे तक यानी षड वाद पर्यंतम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये 90 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 30+30+30 के रूप में आपके 90 में से कितने से हो रहे हैं वो जल्दी से बता दीजिए, फिर सामाजिक विज्ञान यानी SST के अब हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखिए 91, वृहत स्नानागार को जॉन मार्शल ने तात्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया, यह स्थिति है हड़प्पा लोथल चन्हुदड़ो या मोहनजोदड़ो, तो दोस्तों 91 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में मिले हैं, भारत का वह राज्य जहाँ अधिकांशतः हड़प्पाई केंद्र मिले हैं, अधिकांश हड़प्पाई केंद्र कहाँ मिले हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गुजरात के अंतर्गत मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ उपस्थित है, तो दोस्तों वर्तमान के अंतर्गत कहाँ उपस्थित है, महावीर की जो शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वल्लभी गुजरात, वल्लभी कहाँ है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लघु मोहनजोदड़ो एवं लघु हड़प्पा के नाम से जाने वाला स्थल जो गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लोथल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 95 नंबर का,
शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां किस काल में बनना शुरू हुई? तो शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां दोस्तों किस काल में बनना शुरू हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम जैन सभा किस मौर्य सम्राट के समय हुई? तो प्रथम जैन सभा कौन से मौर्य सम्राट के समय हुई थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। पुराणों रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया, निम्न में से किस स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई? तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारद, पाराशर और बृहस्पति, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इत सिंह एक चीनी यात्री था जो आया था, तो इसका राइट आंसर होगा गुप्तोचर काल में। कौन से काल में आया था दोस्तों? गुप्तोचर काल में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिरदौसी नामक सूफी सिलसिला सक्रिय था, कहाँ पे सक्रिय था दोस्तों? फिरदौसी नामक सूफी कहाँ पे सक्रिय था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। करोड़ी 1 करोड़ दाम वसूलने वाला एक राजस्व अधिकारी था जिसकी नियुक्ति, तो 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अकबर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 101 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यपगत सिद्धांत के तहत हस्तगत किए गए निम्न राज्यों का उनके राज्य हरण के वर्ष के साथ सम्मिलित युग का चयन कीजिए। तो 101 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी सम्मिलित है, यानी कि पंजाब 1849, झांसी 1853 और सतारा 1848, उपरोक्त सभी सम्मिलित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने तो प्रथम था नहीं राष्ट्रीय वो नई स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के फलस्वरूप के स्वरूप के बारे में ये शब्द थे, किसके थे दोस्तों ये शब्द? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर सी मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? तो 1949 के अंतर्गत भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्न में से क्या उद्देशिका में समाहित किया गया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें क्या उद्देशिका में समाहित किया गया था दोस्तों? तो 104 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 105, निम्न में से कौन सा विकल्प मूल कृतियों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता इनमें से? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है, नेशनल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? तो दोस्तों 106 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 107 नंबर देखिए दोस्तों, विश्व बाल श्रम दिवस व अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब आता है? तो 107वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को आता है और अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को आता है। 108 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कौन करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों रीट के लिए। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री अभिभाषण करते हैं। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? तो 110वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 167, अनुच्छेद 167।
मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, जो नरेगा होती है दोस्तों उसका कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है, तो 111वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत के द्वारा। 112वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा के संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 211, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी, तो 113वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधान देशांतर। 114वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या क्या कहते हैं, जो काल्पनिक अक्ष पर पृथ्वी घूमती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो 114वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णन। 115वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अर्हक है, तो 115वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 116वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ के बताना है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंध क्षेत्र है, तो 116वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। 117वां क्वेश्चन देखिए, लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो 117वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, लोह अयस्क है वो अनवीनीकरण प्रकार का संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 118वां प्रश्न, नागर कोइल भारत में पवन ऊर्जा के प्रयोग के रूप में जाना जाता है, तो नागर कोइल कहाँ है दोस्तों, तो नागर कोइल है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2001 से 2011 के मध्य भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर पूछा गया इसमें, तो 119वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन की योजना अनुसार ध्रुवीय प्रकार के रूप में कौन सा जलवायु प्रकार है, तो 120वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकार पूछा गया दोस्तों, तो ध्रुवीय प्रकार कौन सा होता है, ई, कौन सा है ई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 121वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राज सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता देना एवं प्रोत्साहन देने के साथ साथ कच्चा माल उपलब्ध कराना आदि है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1961, कब हुई थी दोस्तों, 1961 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 122वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीन वृहत्तम पर्वतमाला है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे इसकी औसत ऊंचाई पूछा है दोस्तों, औसत ऊंचाई है 930 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 123वां प्रश्न देखिए दोस्तों, उदयपुर की कौन सी नदी कोटड़ी तहसील से निकलकर खंपात की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी नदी उदयपुर की कौन सी नदी कोटड़ी तहसील में से निकलकर खंपात की खाड़ी में गिरती है, तो 123वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर डी। 124वां प्रश्न देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की है, ठीक ऐसा ही करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों, दूसरा है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। 125वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिप्सम का उपयोग POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस गंधक के अम्ल सीमेंट व रासायनिक पदार्थों के निर्माण तथा सारी भूमि के उपचार हेतु किया जाता है, यह राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए भदवासी के अंदर मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 126वां प्रश्न, संगत बताइए, संगत बताए तो दोस्तों ये सभी क्या है, संगत है, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल 1938, जयपुर 1941 और भरतपुर 1938, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 127वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत मत्स्य संघ के स्थापना के साथ 18 मार्च 1948 को हुई, तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी दोस्तों उस टाइम, तो 127वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलवर।
128वां प्रश्न देखिए दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? तो 128वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव सिंह है, जो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के क्या है, संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 129वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर स्वाई जय सिंह द्वारा वेदशाला नहीं बनवाई गई? इनमें तीन में तो स्वाई जय सिंह द्वारा वेद बनवाई गई थी, और चौथा स्थान कौन सा जहां पर वेद नहीं बनवाई गई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। 130वां प्रश्न देखिए दोस्तों, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो 130वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजय राज ने दोस्तों शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 131वां प्रश्न, सूरज प्रकाश के रचयिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरज प्रकाश के रचयिता हैं, तो सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है दोस्तों? करणी दान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 132वां प्रश्न देखिए, गढ़ बेटली इस नाम से भी जाना जाता है, तो गढ़ बेटली तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 133वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बयाना दुर्ग भरतपुर। 134वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? तो कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जोगी महल है, वो दोस्तों रणथंभौर में अवस्थित है। 134वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 135वां प्रश्न देखिए दोस्तों, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? तो 135वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। 136वां प्रश्न देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इधर बैंक का नाम दे रखा है और इधर स्थापना वर्ष दे रखा है, तो इसका चयन करना है। तो 136वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 137वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा व्यापारिक बैंक है सबसे बड़ा? SBI है। 137वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 138वां क्वेश्चन, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक पूछा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, वो राइट आंसर होगा। उपभोक्ता विवाद से क्या तात्पर्य है? तो उपभोक्ता विवाद से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता ने किसी वस्तु व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई हो तथा वह व्यक्ति शिकायत में दर्ज दोषों से मना करता है या विवाद करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक 1953, ऑप्शन नंबर एक 1953 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिविटा शब्द का अर्थ क्या है? तो सिविटा शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सभी जानते हो नगर या राज्य, नगर राज्य होता है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 142वां प्रश्न, किसके शब्दों में कहा गया है कि भूगोल मानवता का आधार है? मानवता की शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्ण रूप में भूगोल सबसे बड़ा सहायक है, तो ऑप्शन नंबर ए आइजन हाबर इसका राइट आंसर होगा। 143वां प्रश्न देखिए, किस विधि के प्रयोग के लिए समय की अधिक आवश्यकता है जबकि शिक्षा लय की समय तालिका में इतिहास के लिए कम समय प्राप्त होता है? तो 143वां प्रश्न का राइट आंसर होगा स्रोत पद्धति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके प्रयोग से छात्र इतिहास की घटनाओं के सच्चे ज्ञान से अवगत हो जाते हैं? स्रोत पद्धति, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 144वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्रोत पद्धति। 145वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रादेशिक विधि के प्रयोग में कक्ष वातावरण में यथासंभव शांति चाहिए, क्रियाशीलता चाहिए, वाद विवाद चाहिए या इनमें से सभी? तो दोस्तों 145वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलता। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं दोस्तों? तो मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी 3 इसका राइट आंसर होगा। 147वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है?
तो निबंधात्मक परीक्षण के उपरोक्त सभी यानी कि निर्माण की दृष्टि से सुगम भावों का संगठन और कम खर्चीला यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेरोडोटस ने घटनाओं का वर्णन कथा के रूप में किया, इस कारण उसे का जन्मदाता भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कथात्मक इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। 149वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 149वां क्वेश्चन रीट के लिए कि विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिससे छात्रों को ICT आधारित शिक्षण उपलब्ध कराने, उनमें ICT कौशल विकसित करने के लिए किस वर्ष शुरू किया गया। तो दिसंबर 2004 कब शुरू किया गया दोस्तों, दिसंबर 2004। 150वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा में प्रायोजना कार्य का लाभ है। तो 150वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो साथियों ये थे आज के कुल 150 क्वेश्चन, और 150 में से आपके कितने सही हुए आपको बताना है, और कमेंट ऐसे करना है कि साइकोलॉजी में कितने हुए, हिंदी में कितने हुए, संस्कृत में कितने हुए, और SST में कितने हुए, और कुल कितने हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। यदि इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।